हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? ऑल इज वेल, बढ़िया, एकदम परफेक्टली फाइन, ग्रेट. चलिए नजर डालते हैं एक बार स्क्रीन पे कि हमारे कौन कौन से डॉक्टर्स, हमारे राजा बेटा एंड राजा बेटियां जुड़ चुके हैं इस समय मेरे साथ. हाँ जी, सो दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन पे, सौरभ जी, सात्विक, ओमकार, तेजस, अदिति, वैशाली, महिमा, सुरभि, शफाली, करिश्मा, काबेरी पॉल, फैजान, आयुष, प्रियल, ग्रेट, मधुस्मिता, सिमरन, आंचल, ग्रेट जी, काफी लोग रेगुलर जो व्यूअर्स हैं, जो पूरा घड़ी की सुइयां देख करके एकदम टाइम पे आ जाते हैं, इनफैक्ट समय से पहले ही आ जाते हैं और आपस में चैटिंग चल रही होती है. हाँ जी भाई, कहाँ हो, क्या चल रहा है, क्या क्या टॉपिक्स प्रिपेयर हो गए हैं. मैं बड़ा क्लोजली फॉलो करता हूँ आपकी चैट. क्लास में मैं समय से थोड़ा पहले आ जाता हूँ. हमेशा मेरी आदत रही है कि टाइम पे पहुंचना है और टाइम से पहले ही पहुंच जाना है, इनफैक्ट, राइट? तो समय की कदर हर इंसान को करनी चाहिए, बिकॉज टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रीगेन्ड बैक. तो समय की कदर आप जरूर करिए हमेशा. देखते हैं जी, दामिनी भी आ चुकी हैं जी, मेघा भी हैं, जुनैद साहब भी हैं हमारे साथ, मेघा शर्मा, रजत जी, सार्थक, ग्रेट, सुरभि, कृष्ण, विनोद, गुलनाज, रजत, तनवीर, चित्रांशु, राहुल, दीपक, विजय लक्ष्मी, ध्रुपद. ग्रेट ध्रुपद, अब आप रेगुलर हो गए हैं और अक्सर आपके नाम पे मेरी नजर जरूर चली जाती है इसमें. नमस्ते भेज रहे हैं आप सब लोग, वंस अगेन मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार. आप जानते हैं हमारे हिंदू ट्रेडिशन में या इंडियन ट्रेडिशन में कह लीजिए कि ऐसे दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार क्यों किया जाता है, कोई वजह है इस चीज की भी. आने वाले लेक्चर्स में कभी आपको बताऊंगा क्यों नमस्कार करते हैं हम. भारत में यह प्रचलन क्यों है दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार करने का, क्यों हमें ये ट्रेडिशन नहीं रहा कि ऐसे हाथ मिला करके आगे से हाथ बढ़ाने का. ये तो अब हमने वेस्टर्न कल्चर जो है ये परंपरा अपना ली है, लेकिन जनरली नमस्ते ही करते हैं. एग्रीड? चलिए जी, 174 लोग जुड़ चुके हैं एंड और ज्यादा लोगों को जोड़िए अपने साथ. वीडियो लिंक उन लोगों तक भी भेजिए जो अभी तक नहीं जुड़े हैं क्लास में, ताकि एक पूरा गर्म जोशी वाला माहौल बन जाए और फिर हम क्लास शुरू करें. चलिए जी, आपके समय की कदर करते हुए और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं. क्रेडेंशियल्स आपके सामने लिखे हैं मेरे. चलिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन लेक्चर नंबर 3 है आज हमारा. अभी तक हम किडनीज का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जान चुके हैं. आपके सामने ये प्यारा सा एनिमेशन चल रहा है किडनीज का. मूविंग चीजों को देख करके आपको ज्यादा अच्छा लगता होगा, एक ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ आती होंगी चीजें. मेरे पीछे मेरी पूरी टीम भी है साथ में, आप देख सकते हैं आपके ऑल टाइम फेवरेट अश्विनी सर, नमो सर एंड महेंद्र सर. सो अनअकैडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आपको ये पूरी टीम पढ़ा रही है, राइट जी? अनअकैडमी की तरफ से जो टेलीग्राम ऐप है वो आपके सेलफोन में जरूर होना चाहिए और ये URL आप टाइप करेंगे, इसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे. ध्यान रखिएगा कि इसे टाइप करते समय स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा. अनअकैडमी प्लस का प्लेटफॉर्म जो है बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे एजुकेटर्स के लेक्चर्स यहाँ पे चल रहे हैं और आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे साथ जुड़िए और एक्सपीरियंस कीजिए डिफरेंस, एक बेहतर रैंक आप ला सकते हैं मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में. अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, ट्रेनिंग ऐप है बिल्कुल. और जो सब्सक्रिप्शन आपने लेना है प्लस में जब आपने हमारे साथ जुड़ना है, दैट इज प्री मेडिकल नीट एंड एम्स. एंड अगर आप एनुअल लेते हैं तो आपको पॉकेट फ्रेंडली पड़ेगा, वो बेहतर रहेगा. नीट लाइव कोड यूज करना नहीं भूलेंगे, बिकॉज इस कोड के जरिए आपको हमारी टीम की तरफ से स्पेशल डिस्काउंट मिलता है, राइट जी? आप कहोगे सर हमेशा ये बातें बताते हो, थैंक यू सो मच जी. ध्रुपद, थैंक्स, थैंक्स जी. अंश साहब, ग्रेट, थैंक यू जी फॉर लविंग माई टीचिंग स्टाइल. वैशाली जी, बिल्कुल श्रेया, अनअकैडमी अनबीटेबल है और इसे अनबीटेबल आप ही लोगों ने बनाया है. मेरे पीछे स्क्रीन पे चल रही है एक प्यारी सी कोटेशन. हर बार मैं आपके लिए कुछ ना कुछ कोटेशन लेकर के आता हूं और बहुत सारी कोटेशंस आप लोगों ने ही भेजी होती हैं. सो देखते हैं जी क्या कह रही है ये कोटेशन. If you do not make time to work on creating the life you want, यदि आप मेहनत या प्रयास नहीं कर रहे हैं उस तरह की जिंदगी को पाने के लिए जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं जैसी जिंदगी आप चाहते हैं, यदि आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा यह होगा, you are eventually going to be forced to spend a lot of time dealing with the life you do not want. तो फिर आपको एक ऐसी जिंदगी जीने को मिलेगी
जो आप जीना नहीं चाहते थे, जिस तरह की जिंदगी को आप नहीं जीना चाहते थे, उसी को सुलझाने में फिर समय निकल जाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपको समय देना होगा, ईमानदारी से देना होगा, और तभी जाकर के आप अपने ख्वाब पूरे कर पाएंगे। वो कहते हैं ना कि जो लोग अपने ख्वाब पूरे करने के लिए खुद मेहनत नहीं करते हैं, फिर एक दिन वो किसी दूसरे के यहां उसके ख्वाब पूरे करने के लिए नौकरी करते हैं। यू गेटिंग इट? इफ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड टू फुलफिल योर ओन ड्रीम्स, देन फॉर द रेस्ट ऑफ योर टाइम यू विल हैव टू वर्क हार्ड टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ सम अनदर पर्सन। यू गेटिंग इट? बढ़िया बात है ना, कम शब्दों में बेहतरीन तरीके से बात कही गई है, दैट्स ग्रेट। चलिए वंस अगेन जी आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम, एंड 300 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, दैट्स अ वंडरफुल नंबर। अच्छा लग रहा है, भरी पूरी क्लास को पढ़ाने में ना एनर्जी लेवल ही टीचर का अपने आप डबल हो जाता है और ज्यादा मजा आ जाता है। तो आज हम क्या शुरू करने वाले हैं, हम आगे बढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में। इससे मतलब क्या है कि अब हम ये जानेंगे किस प्रकार से यूरिया बनता है और किस प्रकार से यूरिन बनता है। सो व्हेन यू से फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, दैट इन्वॉल्व्स केमिकल प्रोसेसेस एज वेल एज मैकेनिकल प्रोसेसेस, दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं इसमें। कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके बारे में हम जानेंगे और कुछ मैकेनिकल रिएक्शन है। अनुराग जी थैंक यू सो मच फॉर द एप्रिसिएशन। राहुल, पुनीता, संयोगिनी, आयुष, रोशनी, सोनल, पुनीता, सक्षम, कौशिकी, ह्यूरल, अंश, मिंती, रमन, गौरव, डॉक्टर रमन जी नमस्कार, शिव प्रताप जी, पुनीता, जोया, सोनल, ब्यूटीफुल नेम्स। अब तो रट चुके हैं मुझे, मैं नाम का पहला अक्षर पढ़ता हूं तो मुझे आगे पता चल जाता है। रोशनी, विश्वास, करिश्मा शर्मा, करिश्मा के, नैतिक, ग्रेट, वंडरफुल। चलिए जी, सो फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में हम बढ़ते हैं आगे। एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था। दिस इज द जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स को यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। हमने जाना था कि एक नेफ्रॉन में क्या है, देयर इज मैलपिगियन कॉर्पसल एंड देयर इज अ रीनल ट्यूब्यूल। यहां पे आप देख पा रहे हैं दिस स्ट्रक्चर इज मैलपिगियन कॉर्पसल, जिसमें बोमेंस कैप्स्यूल और कैपिलरीज का जो गुच्छा है अंदर, दैट इज ग्लोमेरुलस। देन देयर इज अ लॉन्ग ट्यूब्यूल, 45 टू 65 मिलीमीटर एक नेफ्रॉन की लेंथ होती है, ये मैंने आपको बताया था। सबसे पहला हिस्सा जो है दैट इज पीसीटी, proximal convoluted tubule, then there is descending limb of loop of Henle, ascending limb of loop of Henle, distal convoluted tubule and the collecting duct. नेफ्रॉन का ये जनरलाइज स्ट्रक्चर हम पिछले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं। जिन लोगों ने किसी कारणवश पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे सारे लेक्चर्स तरीके से उसमें आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, सेग्रीगेटेड है सारी चीजें, सो आप वो जरूर देख लीजिएगा। राइट मेरे राजा बेटा, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मैलपिगियन कॉर्पसल आपने ठीक लिखा था। सो आज की कहानी शुरू हो रही है बेटा जी, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन इंक्लूड्स, इसमें क्या दो बातें मुख्य रूप से हमने पढ़नी है, देर आर केमिकल प्रोसेसेस एंड देर आर मैकेनिकल प्रोसेसेस। केमिकल प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड इन यूरिया फॉर्मेशन। ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग पे, यूरिया फॉर्मेशन। यूरिया का बनना केमिकल रिएक्शंस का रिजल्ट है। मैकेनिकल प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड इन यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन का बनना मैकेनिकल प्रक्रिया है, इसमें कुछ प्रेशर्स इन्वॉल्व्ड हैं। हम पढ़ेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, टिब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन, टिब्यूलर सिक्रीशन। तो आप मुख्य रूप से ये बात समझे, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन इंक्लूड्स केमिकल प्रोसेसेस एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस। राइट जी, केमिकल प्रोसेसेस यूरिया के फॉर्मेशन में, यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल जो अभी हम डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड इन यूरिन फॉर्मेशन। राइट मेरे बेटा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ रहा हूं। देखिए इधर, यूरिया फॉर्मेशन की बात हो रही है यहां पे, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, सो मैंने लिख भी दिया है आपके लिए। यूरिया फॉर्मेशन कहां पे बनता है? यूरिया हमारे शरीर में, यूरिया बनाने वाला मेन ऑर्गन क्या है? लिवर। ध्यान रखिएगा, यूरिया किडनी में नहीं बन रहा। कई बार क्वेश्चंस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यूरिया फॉर्मेशन अकर्स इन, जल्दी से किडनी आंसर मार्क कर दिया। नहीं, किडनीज यूरिया को शरीर से बाहर निकाल रहे हैं, ब्लड में से फिल्टर आउट करके यूरिन की फॉर्म में।
राइट सो बनता जो यूरिया है वो लिवर में है. लिवर के सेल्स को क्या कहते हैं? हिपेटोसाइट्स. हिपेटोसाइट सेल के अंदर यूरिया का सिंथेसिस हो रहा है. किससे? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से. अमोनिया कहां से आया? अमीनो एसिड टूटे, डीअमाइनेशन हुआ उनका. लिवर में ही डीअमाइनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स होता है. सो अमीनो एसिड्स के टूटने से अमोनिया बना. अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके और बहुत सारी रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड हैं विच विल बी डिस्कसिंग. तो बनता है लिवर के हिपेटोसाइट्स में यूरिया. जब आप हिपेटोसाइट सेल की बात करते हैं तो एक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है उसका. तो कुछ रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं. सम ऑफ द एंजाइम्स ऑफ यूरिया साइकिल आर माइटोकॉन्ड्रियल एंड सम enzymes are present in the cytoplasm of hepatocytes. यही बात मेरे पीछे स्क्रीन पे लिखी हुई है. देखिए, in ureotelic organisms, यानी जो जानवर यूरिया excrete करते हैं, ammonia deposited in the mitochondria of hepatocytes. Hepatocytes already आपके लिए अलग कलर से, रेड कलर से बोल करा हुआ है ताकि आप ध्यान रख पाए. यूरिया का फॉर्मेशन, यूरिया का सिंथेसिस लिवर के अंदर हो रहा है. The ammonia is converted to urea in the urea cycle. तभी हमने ureotelic कहा. Ammonia तो आप जानते हैं highly toxic है. Ammonia requires large amount of water for its removal. Urea is comparatively less toxic and it requires moderate amount of water for its removal. Urea production occurs almost exclusively in liver. So ये question हमसे पूछा जा सकता है कि यूरिया का formation कहाँ हो रहा है? लिवर में. तो यूरिया इज फॉर्म्ड इन लिवर, इट इज रिलीज्ड इनटू ब्लड. लिवर से जो वेन बाहर निकलती है, बताइए, लिवर से जो वेन बाहर निकलती है जिसमें मैंने आपको बताया था इट हैज मैक्सिमम यूरिया कंटेंट, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दैट वेन? राजा बेटा एंड बेटियां जल्दी से बताइए द वेन विच हैज मैक्सिमम यूरिया कॉन्टेंट. मैं स्क्रीन की तरफ अब देखने जा रहा हूं कौन कौन लोग सही जवाब दे रहे हैं. ऋषिकेश मिश्रा जी, वैशाली, तरुणा, जया, नकी अहमद, कनीज, किशन पांडे जी, जल्दी से, आपने ठीक लिखा है किशन. मोर वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ अमोनिया. शाहबाज अख्तर, आयुष ने ऑर्निथिन साइकिल कहा, बिल्कुल सही है जी. हिपेटिक वेन, डॉली ने जवाब दिया, बिल्कुल सही. उससे पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा, सचिन ने शायद पूछा है, वासा रेक्टा. मैं वासा रेक्टा के बारे में भी आपको बताऊंगा. ऐसी कैपिलरीज जो लूप ऑफ हैनले के पैरेलल चलती हैं उन्हें वासा रेक्टा कहते हैं. वासा रेक्टा आर द कैपिलरी लूप्स विच आर रनिंग पैरेलल टू लूप ऑफ हैनले. राइट बेटा जी, वेरी गुड. 395 पीपल आर वॉचिंग. लाइक्स में अभी भी कंजूसी. बार बार मुझे कहना पड़ता है कि जो चीज आप देख रहे हैं आपको पसंद आ रही है, समझ आ रही है, तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो. राइट जी, ठीक कहा है आप सब लोगों ने. जया, रमन, श्रेया, विकी, नेहा, अभिषेक, देवांद्राइटिस, रियासुद्दीन, ग्रेट. ध्रुपद, आपका जवाब भी सही है. हिपेटिक वेन, राजा बेटा आप सबने सही कहा है. हिपेटिक वेन हैज मैक्सिमम यूरिया कॉन्टेंट. चलिए ये बात हम यहां पे लिख भी लेते हैं. हिपेटिक वेन हैज मैक्सिमम यूरिया कॉन्टेंट बिकॉज यूरिया लिवर में बनता है. ब्लड यूरिया को ट्रांसपोर्ट करता है. यूरिया पासिस इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड दस टू द किडनीज एंड इट इज एक्सक्रीटेड इनटू द यूरिन. राइट, सो किडनीज जो है वो यूरिया को शरीर से बाहर निकालते हैं. किडनीज रिमूव यूरिया फ्रॉम ब्लड. वही मैकेनिज्म हमने पढ़ना है आगे कि किस प्रकार से यूरिया शरीर से बाहर निकाला जाता है. सो बात क्लियर हुई. यूरिया बना कहां? लिवर में. कौन सी वेन में मैक्सिमम यूरिया कंटेंट? हिपेटिक वेन में. लिवर के अंदर यूरिया कहां बना है? हिपेटोसाइट सेल्स में. सो हिपेटोसाइट्स ऑफ द सेल्स आर द साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया. जिस साइकिल से यूरिया बनता है उसे क्या बोलते हैं? यूरिया साइकिल. व्हाट इज दैट साइकिल कॉल्ड? यूरिया साइकिल और ऑर्निथिन साइकिल. इसी को क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी कहते हैं क्योंकि हैंस क्रेब एंड कर्ट हैंसलेट ने यह साइकिल डिस्कवर किया था. इन्होंने ही इसमें से क्रेब्स नहीं, क्रेब्स साइकिल भी दिया है. वो भी हम पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन में. सो आप जाने यूरिया साइकिल और द ऑर्निथिन साइकिल एंड व्हाट इज द अदर नेम? क्रेब्स हैंसलेट साइकिल. मैं यहां पे लिख देता हूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रेब्स हैंसलेट
cycle, not only Krebs cycle, it is Krebs-Hanslet cycle. This pathway was discovered by Hans Krebs, who later on also discovered the citric acid cycle and a medical student associate Hanslet. So, isliye naam hai Krebs-Hanslet cycle, right ji? This cycle involves participation of 5 enzymes and 3 ATPs. यहाँ पे 5 एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड हैं. अब राजा बेटा उन एंजाइम्स के नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे, घबराना नहीं है. लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुन लीजिए. यूरिया साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें एक नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड इन्वॉल्व्ड है, और वो नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड क्या है? ऑर्निथिन. ऑर्निथिन इज अ नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स. आप जानते हैं अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोटीन्स. नेचर में 300 के करीब अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं. सभी अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स नहीं बनाते हैं. आपने मुख्य रूप से 20 अमीनो एसिड पढ़े होंगे, जिन्हें मैजिक 20 भी कहते हैं, जो प्रोटीन्स बनाते हैं. इसके अलावा और भी कई अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन्स नहीं बनाते हैं, लेकिन कई और काम करते हैं, नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड कहलाते हैं. सो ऑर्निथिन क्या है राजा बेटा? इट इज नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड. इसी तरह से सिट्रुलीन भी है. एक सिट्रुलीन अमीनो एसिड इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन यूरिया सिंथेसिस. सो मैंने आपको बताया कि यूरिया साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल क्यों कहा? बिकॉज ऑर्निथिन इज अ नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड विच इज इन्वॉल्व्ड इन यूरिया सिंथेसिस. वो सारी रिएक्शंस अभी हम आगे पढ़ेंगे. यूरिया साइकिल के जरिए शरीर से 2 मेन हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट निकलते हैं. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है. नेम द 2 हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट्स विच आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिया साइकिल. एंड दोज 2 हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट्स आर अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? ये दोनों यूरिया साइकिल के जरिए शरीर से बाहर निकलते हैं. एक सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड है जो यूरिया सिंथेसिस के टाइम पे बनता है. नाउ दिस इज माय क्वेश्चन टू यू. लगभग 411 के करीब लोग जुड़ चुके हैं. थैंक यू सो मच जी. वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. आप वीडियो लाइक करते हैं तो वो मुझे एनर्जी की फॉर्म में मिलता है. एटीपीज की तरह काम करता है, दैट इज एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट. सो कंजूसी मत कीजिए वीडियो को लाइक करने में. गिरीश जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया. निकिता ने सही जवाब दिया है. नाउ माय क्वेश्चन, आर्जिनिन पहले ही बता दिया है भूषण ने. आर्जिनिन इज अ सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ यूरिया. आर्जिनिन अमीनो एसिड जो है वो यूरिया साइकिल के दौरान बनता है. हमारे शरीर में कुछ सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स भी होते हैं विच आर स्लो टू बी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. सो आर्जिनिन उनमें से एक है. दूसरा हिस्टिडीन होता है. आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन आर सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स. सो आर्जिनिन इज अ सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड विच इज इन्वॉल्व्ड इन द यूरिया साइकिल. इट इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग यूरिया सिंथेसिस. क्लियर है जी? यूरिया साइकिल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस वो मैंने आपको बताए हैं. एस्पार्टेट पे अभी आएंगे जी, क्रिएटिनिन पे आएंगे. अच्छा, आप गाबा भी बता रहे हैं, दैट इज गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड. ओके जी, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. बात कर रहे हैं यूरिया साइकिल की. नेक्स्ट देखते हैं जी. इधर मैंने कहा था यूरिया साइकिल इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन ऑफ 5 एंजाइम्स. उन एंजाइम्स के नाम याद रख लीजिएगा. फर्स्ट एंजाइम इज कार्बामाइल सिंथेटेस 1. सेकेंड इज ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्निथिन कार्बामाइल ट्रांसफीरेस. नेक्स्ट इज आर्जिनो सक्सीनेट सिंथेटेस. नेक्स्ट इज आर्जिनो सक्सीनेस एंड द लास्ट इज आर्जिनेस. मैं फिर से इन 5 एंजाइम्स के नाम आपके लिए बोल देता हूं. सबसे पहला एंजाइम जो है वो है कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेस 1. क्योंकि सबसे पहला स्टेप जो होता है यूरिया साइकिल में वो है सिंथेसिस ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट. कार्बामाइल फॉस्फेट कैसे बनता है? अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद एटीपीज, ये मिल करके 180 रिक्वायर्ड है. द कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेस जो है एंजाइम इन्वॉल्व्ड है उसमें, एंड दैट रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट. देन कार्बामाइल फॉस्फेट कंबाइंस विद ऑर्निथिन टू फॉर्म सिट्रुलीन. सिट्रुलीन फिर एस्पार्टिक एसिड आ जाता है साइकिल में और बन जाता है आर्जिनो सक्सीनिक एसिड. आर्जिनो सक्सीनिक एसिड इज ब्रोकन इनटू आर्जिनिन एंड फ्यूमेरिक एसिड.
arginine is broken down into ornithine and urea. Ornithine ka recycling ho jata hai. Ye sari reactions next slide pe aapke liye di hui hain. Ghabrane ki zarurat nahi hai. Sab samajh aa jayega aapko. Enzymes ka naam dekh lete hain. Ornithine carbamoyl transferase ya ornithine transcarbamylase. Arginosuccinate synthetase. Arginase. This is important. Arginase enzyme जो है यही arginine को फिर ornithine and urea में तोड़ता है. ठीक है जी, आगे बढ़े, घबराना नहीं है इनसे, बिल्कुल आप याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है जी, चार बार पांच बार लिखेंगे याद हो जाएंगे बिल्कुल. अब देखिए आपके सामने यूरिया साइकिल दिखाया गया है, डरना नहीं है इससे, कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है. मैं आपको बता देता हूं कि आपको कहां-कहां से क्या-क्या चीजें याद रखनी हैं. देखते हैं जी, सबसे पहले हम कहां से शुरू करते हैं इस चीज को. इधर देखिए, देयर इज अमोनिया, ये लिखा है ना स्टेप 1, अमोनिया और यहां पे बाइकार्बोनेट आयंस और एटीपी लिया है, ये वाली चीजें. तो इसको मैं सादी भाषा में ऐसे भी कह सकता था बेटा, अमोनिया plus carbon dioxide and ATP is required here. This is going to form carbamoyl phosphate. Ye bana carbamoyl phosphate. Ye raha enzyme. Carbamoyl phosphate synthetase 1. Ek carbamoyl phosphate synthetase 2 bhi hota hai. Now, carbamoyl phosphate ban gaya. Carbamoyl phosphate jo hai, that combines with ornithine. Ye dekhiye, yahan pe raha ornithine and it forms citrulline. Citrulline और ornithine ये दोनों ही non-protein amino acids हैं, right जी? So carbamoyl phosphate along with ornithine is forming citrulline. Enzyme है ornithine transcarbamylase. Citrulline और उसके बाद देखिए cycle में aspartic acid यानी aspartate की entry हुई. Citrulline and this aspartic acid that is going to form arginosuccinic acid or arginosuccinate. The enzyme is arginosuccinate synthetase. So arginosuccinate ban gaya. Phir arginosuccinase naam ke enzyme ne isko break kar diya into arginine and fumaric acid. Ye raha. So arginosuccinase is breaking arginosuccinate into fumaric acid and arginine. Arginine फिर टूटा बेटा जी यूरिया में और ornithine का फिर से recycling हो गया. इसीलिए इस cycle को ornithine cycle भी कहते हैं. Arginase enzyme ने arginine को break करके यूरिया बनाया है. Clear है जी इतना? Right? घबराहट तो नहीं हो रही? अभिषेक जी कह रहे हैं कि प्लीज लेक्चर पे फोकस कीजिए, बिल्कुल सही ज्ञान दे रहे हैं आपको. आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट जी? क्लियर है, थम्स अप साइन मिल सकते हैं इस पे. एंजाइम्स के नाम और कहां-कहां एटीपी इन्वॉल्वड है, दोनों चीजें मैंने आपको बताई. सादे ढंग से याद रखना है तो भी रख सकते हैं कि भाई अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी इन्होंने मिलकर के बनाया था carbamoyl phosphate. Carbamoyl phosphate और ornithine मिले तो बना था citrulline. Carbamoyl phosphate और यहीं पे ornithine दिखा दिया हमने साथ में और बन गया citrulline. Citrulline और aspartic acid, right? Aspartic acid की entry हुई इस cycle में तो बन गया था arginosuccinic acid. Arginosuccinic acid जो है इसको break कर दिया गया था arginine में और fumaric acid में और फिर arginine टूट गया था urea में and ornithine में, right? मैंने simplified form में भी लिख दिया आपके लिए, so आपको याद करना और आसान रह जाएगा. यहाँ पे साथ साथ formulas लिखे हुए, enzymes लिखे हुए, इसलिए आपको थोड़ा complex लग रहा हो ये. मैंने उसे सिंपलीफाइड वे में भी आपके लिए लिख दिया. सो यूरिया साइकिल अकर्स इन लिवर, हेपेटोसाइट्स ऑफ लिवर. द फर्स्ट टू एंजाइम्स आर माइटोकॉन्ड्रियल एंड द अदर एंजाइम्स दे आर साइटोप्लाज्मिक. साइकिल इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन ऑफ 5 एंजाइम्स, 3 एटीपीज. इट रिमूव्स 2 हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, दैट इज अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन आर 2 नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स involved in urea cycle. Arginine is a semi-essential amino acid which is synthesized during urea cycle. क्या इतने फंडे crystal clear हैं जी आपको? बिल्कुल,
वेरी गुड, थैंक यू रोशनी, थैंक यू सचिन. बिल्कुल जी, ये याद रखना है सचिन जॉन, आपको याद रखना है एंड आप रख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. इसमें दो बार तीन बार आप प्रैक्टिस करेंगे इसे बना करके, आपको अच्छे से याद हो जाएंगी चीजें. राइट जी, ग्रेट. चलिए आगे बढ़ते हैं. जो बातें मैंने आपको थ्योरेटिकली बोली, एक एक चीज लिखी है. ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन आर टू नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व इन यूरिया साइकिल. अगर ये क्वेश्चन की फॉर्म में हमसे पूछा जाता है, विच आर द टू नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व इन यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन. विच इज द सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड विच इज सिंथेसाइज ड्यूरिंग यूरिया साइकिल. द सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड सिंथेसाइज ड्यूरिंग यूरिया साइकिल इज आर्जिनिन. दिस इज अनदर क्वेश्चन जो इसमें से पूछा जाता है. यूरिया साइकिल कौन से दो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को शरीर से बाहर निकालता है, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. क्योंकि सबसे पहला स्टेप ही यही है, लिवर में बनने वाला अमोनिया. अमोनिया कहां से आया, अमीनो एसिड के टूटने से. अमीनो एसिड का डीअमाइनेशन हुआ तो अमोनिया बना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ा, एटीपी के साथ जुड़ा, कार्बामाइल फॉस्फेट एंजाइम प्रेजेंट था, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटाइज, तो उसने कार्बामाइल फॉस्फेट बना दिया. क्लियर है जी, राइट मेरे बेटा, ठीक है जी. आज डायग्राम्स कहां है, बहुत सारे डायग्राम्स आने वाले बेटा, भी आ गए, डोंट वरी. डायग्राम्स के बिना तो बायोलॉजी पूरा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल आएंगे डायग्राम्स अभी. चलिए, सो हम पढ़ रहे थे फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, जिसमें पहला स्टेप था यूरिया फॉर्मेशन. अब हम किस पे आ गए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन. मैंने कहा था ना, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन इन्वॉल्व्स chemical processes as well as mechanical processes. So now we are going to discuss mechanical processes जो कि urine formation में involved है, right? तो urine कैसे बन रहा है, तीन main steps हैं urine formation के. आप जानते हैं glomerular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion. ये तीन steps हमने detail में discuss करने हैं. कौन कौन से तीन, glomerular filtration जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या नेफ्रिक फिल्ट्रेशन भी कहते हैं. सेकेंड इज टिब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन एंड द थर्ड स्टेप इज टिब्यूलर सिक्रीशन. ठीक है बेटा जी, राइट, दीज आर द थ्री स्टेप्स. आप कह रहे हैं, सचिन कह रहे हैं कि यूरिया फॉर्मेशन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन बेटा जी हमें पता होना चाहिए. इतना आपको बेसिक सी बात है, यूरिया कहां बन रहा है, लिवर में बन रहा है, कौन से अमीनो एसिड इन्वॉल्व है, ऑर्निथिन सिट्रुलिन, ऑर्निथिन साइकिल इसीलिए कहा है. एनसीईआरटी एक सिलेबस गाइडलाइन है, उसके बीच में भी आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए. वहां पे हर चीज वेल एक्सप्लेन्ड नहीं है, लेकिन वेल रिटन जरूर है. सो जो भी बातें एनसीईआरटी में है, आपको उसके बियॉन्ड थोड़ा बहुत दाएं बाएं पता होना चाहिए. ठीक है, बिकॉज हम सिर्फ नीट के लिए नहीं, हम एम्स के लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं, और नीट में भी कई बार इधर उधर ऊपर क्वेश्चन आते हैं, देयर इज नो डाउट. आप इसी साल का प्रिकॉशन पेपर उठा के देखिएगा, आई के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कॉर्निया से रिलेटेड बहुत ही टिपिकल बातें पूछी थी, जबकि एक भी स्टेटमेंट एनसीईआरटी में नहीं है. और एक क्वेश्चन गलत हो जाना आपको कितना पीछे फेंक देगा रैंक में, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते शायद. राइट जी, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर. मैं हिंदी में बता रहा हूं बेटा, मैंने हिंदी भाषा ही बोली है मैक्सिमम. तो चलिए, सो यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, टिब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन एंड टिब्यूलर सिक्रीशन. ये तीन स्टेप्स इन्वॉल्व है. तीनों स्टेप्स हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक ओवरव्यू दे दूं मैं कि क्या है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. देखो मेरे बेटा जी, ये रहा बोमेंस कैप्स्यूल, ये था अफरेंट आर्टेरियोल. अफरेंट आर्टेरियोल ब्लड लेकर के आ रहा है, ये ब्लड यहां पे कैपिलरीज में फिल्टर हुआ, ये पॉइंट नंबर वन लिखा है. दिस इज व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, आई एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. यहां पे सब्सटेंसेस फिल्टर आउट हो जाएंगे, तो इसको हमने कहा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. और जो चीजें फिल्टर होके नीचे जा रही है, दैट इज व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. और वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहां गया है, रीनल टिब्यूल में. रीनल टिब्यूल का सबसे पहला हिस्सा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल. तो ये सब्सटेंसेस जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, इनकी कॉम्पोजिशन और कॉन्सेंट्रेशन बदलती जाएगी. इसको यहीं पे यूरिन नहीं कहेंगे, यूरिन टर्म हम डीसीटी के बाद यूज करते हैं. राइट जी, उससे पहले यूज नहीं करना. डीसीटी में जब टिब्यूलर कंप्लीट सिक्रीशन, टिब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है, एंड ऑफ डीसीटी में वी कैन यूज द टर्म यूरिन, नॉट बिफोर दैट. उससे पहले उसे टिब्यूलर फ्लूइड ही कहते हैं. जो फिल्टर हुआ है यहां पे,
उसको हम बोलते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट. सो व्हाट इज नेफ्रिक फिल्ट्रेट और द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और द अल्ट्रा फिल्ट्रेट? द वन विच इज गेटिंग फिल्टर्ड इन द कैविटी ऑफ द बोमेंस कैप्स्यूल. और वही फ्लूइड आगे बढ़ रहा है. जैसे जैसे ये नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्सों में आगे बढ़ता जाएगा, इसकी कॉम्पोजिशन और कॉन्सेंट्रेशन बदलती जाएगी. दो स्टेप्स यहां पे साथ साथ हो रहे हैं. ये लिखा है नंबर टू एंड नंबर थ्री. इन दोनों प्रक्रियाओं को, इन दोनों स्टेप्स को क्या कह रहे हैं? वन इज टिब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन एंड अदर इज टिब्यूलर सिक्रीशन. अब ध्यान दीजिएगा इस बात पे. टिब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन में एरो जो है वो अंदर से बाहर की तरफ बनाया हुआ है. ये ब्लू एरोज देखिए, अंदर से बाहर की तरफ से क्या मतलब है कि फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ द टिब्यूल सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड. इस प्रक्रिया को टिब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं. बाहर कहां? जो आसपास उसके ब्लड कैपिलरीज हैं. जरूरत की चीजें वापस ब्लड को ही तो लौटानी है. तो ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है ये सीधा वेन नहीं बना देता. यह इफरेंट आर्टेरियोल दोबारा से कैपिलरी नेटवर्क में डिवाइड करता है और उन कैपिलरीज का काम होता है कि अब इस टिब्यूलर फ्लूइड में से यूजफुल चीजें एब्जॉर्ब कर लेना. सो जब आप बात करते हैं प्रक्रिया टिब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन की, तो रीअब्सॉर्प्शन का मतलब है कि उस टिब्यूल के ल्यूमेन में से निकल के चीजें बाहर को जा रही हैं. मान लीजिए ये हमारा नेफ्रॉन था और यहां पे जो सब्सटेंसेस हैं दे आर मूविंग फ्रॉम इनसाइड ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द टिब्यूल टू आउटसाइड. ये हुआ टिब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन. साथ के साथ ही टिब्यूलर सिक्रीशन भी हो रहा है. द प्रोसेसेस आर डिफरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. इन टिब्यूलर सिक्रीशन द सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड द टिब्यूल टू इनसाइड. बात समझ आई आपको? टीआर और टीएस यानी टिब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन एंड टिब्यूलर सिक्रीशन आर सिंपली डिफरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. चीजें अंदर से बाहर जा रही हैं तो रीअब्सॉर्प्शन, बाहर से अंदर आ रही है तो सिक्रीशन. एंड बोथ द प्रोसेसेस आर अकरिंग साइमल्टेनियसली. इज इट क्लियर टू यू? आयुष ने लिखा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज फिल्टर्ड प्लाज्मा. बिल्कुल ठीक लिखी है आपने ये बात. राइट जी. डॉक्टर राजेश कह रहे हैं इनसाइड ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द टिब्यूल टू आउटसाइड. बिल्कुल सही कहा आपने जी. राइट. आपको 3D वे में ये पिक्चर अच्छा लग रहा है, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड. आपका नाम क्यों नहीं ले रहे? आपका नाम क्या है जी? शिवाजी नगर समस्तीपुर. ये कैसा नाम है? फिर आप नाम प्रॉपर रखिए ना बेटा, मैं जरूर लूंगा आपका नाम, लेकिन आपने नाम अजीब सी आईडी बनाई हुई है. ठीक है, ओके. हुमा खान जी कह रही है क्रिस्टल क्लियर. मिंती ने कहा क्रिस्टल क्लियर, ग्रेट. क्रिस्टल क्लियर है सब लोगों को, वेरी गुड. चलिए जी, इसी पे फिर जबरदस्त लाइक्स बनते हैं. 406 के करीब लोग इस समय हमें लाइव देख रहे हैं. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल करके इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए. सिर्फ चैट करना आपका मकसद नहीं होना चाहिए, वो समय की बर्बादी होगी. वो सूनर और लेटर आपको एहसास जरूर हो जाएगा. अगर आप इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हैं तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए जुड़िए हमारे साथ. राइट जी, चलिए आगे बढ़ता हूं बेटा. देखिए, मैंने आपको मेन सी बात बताई है अभी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, टिब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन, टिब्यूलर सिक्रीशन. तो ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं दे आर अकरिंग साइमल्टेनियसली, साथ के साथ रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन हो रहा है. ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले चीजें रीअब्सॉर्ब हो गई फिर अब सिक्रीशन होगा, वो तो संभव ही नहीं है. वो फ्लूइड रुका हुआ थोड़ी है, वो तो आगे बढ़ता जा रहा है. आगे देखिए, सेम वही प्रोसेसेस मैंने अब आपको एक बहुत ही एनलार्ज्ड व्यू में, पूरी स्क्रीन पे आप मेरे सामने नेफ्रॉन देख पा रहे हैं मेरे पीछे की तरफ, और आपको अफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल, तीनों प्रोसेसेस एक साथ दिख रही हैं. टिब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन, टिब्यूलर सिक्रीशन एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. यहां से शुरू कर लेते हैं बेटा. ये देखो, ये नंबर वन पॉइंट जो दिखाया गया है ये डायरेक्शन है टिब्यूलर, सॉरी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की. दिस इज द कैविटी ऑफ द बोमेंस कैप्स्यूल. ये अंदर जो कैपिलरीज का गुच्छा है ये है बोमेंस कैप्स्यूल के अंदर ग्लोमेरुलस. यहां से शुरू कर लीजिए. बेशक अफरेंट आर्टेरियोल आया, अफरेंट आर्टेरियोल में ब्लड प्लाज्मा है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के थ्रू प्लाज्मा फिल्टर हुआ. तो मैं डायरेक्शन दिखा देता हूं, ये ब्लू कलर से मैंने दिखा दिया. ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट फिल्टर होके आगे बढ़ता जा रहा है. जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है मेरे बेटा जी, ये देखो चीजें अंदर से निकल के बाहर आ रही हैं, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं
टेब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन. वो रीअब्सॉर्प्शन हो कहां रहा है? जो चीजें नेफ्रॉन के पीसीटी में से बाहर निकली हैं वो कहीं कहां गई हैं? ये देखो ना, नीचे पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज में. और वो कहां से बनी? यही इफरेंट आर्टेरियोल आगे कंटिन्यू हो रहा है. और यूजफुल चीजें, फायदेमंद चीजें जो बाहर निकली हैं, देयर विल बी सोडियम आयंस, देयर विल बी पोटेशियम आयंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, बहुत सारी चीजें. मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन पीसीटी में हो जाता है. ये सारी की सारी चीजें ब्लड को लौटा दी गई वापस, क्योंकि ये यूजफुल चीजें हैं. राइट जी, फ्लूइड आगे आगे बढ़ता जा रहा है. जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इसकी कॉम्पोजिशन और कंसंट्रेशन बदलती जाएगी. शुरुआत में ये आइसोटॉनिक है, उसके बाद ये हाइपरटॉनिक होगा, फिर हाइपोटॉनिक होगा, फिर हाइपरटॉनिक होगा. तो टोनिसिटी भी बदलेगी. वो कैसे बदलेगी वो भी हम समझेंगे. आप देखिए, ये पॉइंट नंबर 2 था और ये पॉइंट नंबर 3 है. पॉइंट नंबर 3 में क्या दिखाया है? टिब्यूलर सिक्रीशन. टिब्यूलर सिक्रीशन से क्या मतलब है? कि भाई ब्लड में जो फालतू की चीजें, अब वो इसमें ऐड कर दी जाएंगी. सो बाहर से जब अंदर चीजें ऐड हुई हैं, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दिशा उल्टी हो गई, मतलब ब्लड में से चीजें निकल के इसमें जा रही हैं, तो ये कहलाएगा टिब्यूलर सिक्रीशन और ये कहलाएगा टिब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन. दोनों प्रक्रियाएं साथ के साथ चल रही हैं और फिर एंड में हम उसे यूरिन कहते हैं. शुरुआत में हम उसे केवल टिब्यूलर फ्लूइड कहेंगे. सबसे पहले तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहेंगे, फिर टिब्यूलर फ्लूइड कहेंगे और उसके बाद में यूरिन कहेंगे. क्लियर है जी इतना? बिल्कुल अनुराग जी, इज इट क्लियर? टॉनिसिटी, ऋषभ अभी हम आगे समझेंगे कि टॉनिसिटी किसको रेफर कर रहा है. राजेश ने ठीक लिखा है, आइसोटॉनिक, हाइपरटॉनिक, हाइपोटॉनिक. वेरी गुरु, आप कह रहे हो कि डायग्राम्स की बारिश होने वाली है. बताइए मुझे बेटा जी, इतना कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है? तो जल्दी से लाइक्स भी ठोकिए और आप अपने प्यारे प्यारे फ्लावर्स एंड हार्ट्स जो भेजते हैं एनर्जी को बढ़ाने के लिए, वो भी जरूर भेजिए मेरे पास, ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊं. राइट जी, ठीक है, चलिए आगे बढ़े जल्दी से. सबसे पहली प्रक्रिया हम समझेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. दिस इज इंपॉर्टेंट. इस प्रक्रिया में बहुत सारे प्रेशर्स इन्वॉल्व हैं. सम प्रेशर्स दे फेवर फिल्ट्रेशन एंड सम प्रेशर्स अपोज फिल्ट्रेशन. राइट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करने जा रहे हैं जी. बिल्कुल जी, हाँ जी, निकिता जी, क्लियर है आपको? वंडरफुल. सभा चौधरी, प्रतिभा, राजेश, हुमा खान, कनीज फातिमा, मुस्कान, प्रिंस, ऋषभ, श्रेया, दीपिका, आयुष, गिरिश, पिंकी, सिमरन, ग्रेट. चलिए, आपके लाइक्स मिल गए मुझे. वंडरफुल. एनर्जी आ जाती है इतने में ही. सच में, कभी आप खुद खड़े होकर के पढ़ा के देखिए इतनी पूरी फुल एनर्जी के साथ, फिर आपको पता चलेगा. व्हेन यू कॉन्टिन्यूसली स्पीक फॉर 1 आवर विद द सेम लेवल ऑफ एनर्जी, बिकॉज यू वॉन्ट कि आपके ऑडियंस तक आपकी आवाज क्रिस्टल क्लियर पहुंचे और पूरी एनर्जी के साथ पहुंचे, तो दम लगता है इसमें. बिल्कुल, देखिए इधर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से. इट अकर्स थ्रू ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन. मैंने कल ही ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन आपको बहुत डिटेल में बताया था. आज भी मेरे पास वो स्लाइड्स हैं आपको दोबारा दिखाने के लिए. यहाँ पे आप एक ब्यूटीफुल सा एनिमेशन भी देख पा रहे हैं कि अफरेंट आर्टेरियोल में ब्लड आ रहा है और ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, यहां से ये चीजें फिल्टर होकर नीचे जा रही. जो ग्रीन ग्रीन कलर के ड्रॉप्स आपको दिख रहे हैं आगे गिरते हुए, वही है नेफ्रिक फिल्ट्रेट. हम इसकी कॉम्पोजिशन भी समझेंगे कि प्लाज्मा जो है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में आया. अब सारी चीजें फिल्टर नहीं हो सकती, प्लाज्मा में से प्रोटीन्स एंड फैट्स फिल्टर नहीं हो पाते, वो जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है वो उसे क्रॉस नहीं कर पाते. सो जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट नीचे बनता है, दैट इज आइसोटोनिक टू प्लाज्मा, लेकिन उसकी कॉम्पोजिशन होती है प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स एंड फैट्स. ध्यान रखेंगे. सो इधर देखिए बेटा, आपके लिए फिर से ये ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन या जिसे हम फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कहते हैं वो दिखाई गई है. अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो, हमने पढ़ा था कि जो कैपिलरीज हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, उनका क्या खास नाम था? फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज. क्योंकि उनके जो एंडोथीलियल सेल्स हैं, व्हाट आर एंडोथीलियल सेल्स? सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियल सेल्स जो कैपिलरी की वॉल बनाते हैं. उन एंडोथीलियल सेल्स में छेद हैं, ओपनिंग्स हैं. व्हाट आर दोज पोर्स कॉल्ड? फिनेस्ट्रे. तो एंडोथीलियल कैपिलरी जो है, रफली मैं आपके सामने एक कैपिलरी बना के दिखाता हूं. यहां पे इधर देखिए, लेट्स ड्रॉ वन सिंपल ग्लोमेरुलर कैपिलरी. एक थ्री डायमेंशनल लुक देने की कोशिश करते हैं इसे. ग्लोमेरुलर कैपिलरी के ये अपने एंडोथीलियल सेल्स हैं. राइट जी, ये उन सेल्स का न्यूक्लियस है.
So this is a capillary of the glomerulus. So it is called glomerular capillary. And what are these cells called? These are endothelial cells. मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन एंडोथेलियल सेल्स में बीच बीच में छेद हैं, ओपनिंग्स हैं. एंड व्हाट आर दोज पोर्स कॉल्ड? फिनेस्ट्रे. चलो वो मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए. ये गोल गोल जो होल्स या ओपनिंग्स हम इसमें दिखा रहे हैं इन सेल्स में, दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड फिनेस्ट्रे. तो इसीलिए इन कैपिलरीज को फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज कहते हैं. जब इसमें ब्लड फ्लो करेगा, मान लीजिए यहां से ब्लड एंटर करा है, इधर से ब्लड निकलेगा, तो ऑब्वियसली इन सेल्स में अगर छेद हैं, होल्स हैं, तो बहुत सारी चीजें बाहर आ जाएंगी. इसी कैपिलरी के बाहर क्या है, कौन से सेल्स थे? वो खास तरह के सेल्स जिनकी प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस इनको कवर करे हुए हैं. बताइए चलिए मुझे जल्दी से उनका नाम. What are those cells called which are forming the inner visceral layer of the Bowman's capsule? कल हमने previous lecture में, thank you for appreciating the diagram Puneet, thank you so much. Ions pass through fenestrae but not the RBCs, आपने ठीक लिखा है. I am asking कि what are those cells called जिनको foot cells भी कहते हैं, जिनकी protoplasmic processes, very good. Jatin Gupta ने, Dolly ने सही जवाब दे दिया. Those cells are called पोडोसाइट्स. राहुल कुमार, निकिता, मुस्कान, नेहा, सौरभ, शहबाज, सचिन, बिल्कुल जी आपने सही कहा है बेटा जी. वो सेल्स जो इनको सराउंड करे हुए हैं, दे आर पोडोसाइट्स. द पोडोसाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड फुट सेल्स. ठीक है जी, पोडोसाइट्स और द फुट सेल्स इन कैपिलरीज के ऊपर है और उनकी जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं, व्हाट आर दे कॉल्ड? पेडिसल्स. दो एडजेसेंट पेडिसल के बीच में जो गैप है, व्हाट इज दैट कॉल्ड? स्लिट पोर. तो स्लिट पोर के जरिए और यहां से फिनेस्ट्रे के जरिए चीजें बाहर निकल आती हैं, क्योंकि ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में क्या क्या चीजें हैं, उस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में क्या क्या चीजें हैं. ये बनी है मेम्ब्रेन आपके सामने, कैपिलरी का एंडोथीलियम है और उसकी अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और उसके अलावा द फुट प्रोसेसेस ऑफ पोडोसाइट्स. तो ये मिलकर के यहां पे ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन बनाते हैं जिसके थ्रू चीजें फिल्टर आउट होके बाहर को आती हैं. क्लियर है जी? आगे देखते हैं. इधर ये वाला डायग्राम, ये ब्यूटीफुल डायग्राम जो कल आपने अप्रिशिएट किया था थ्री डायमेंशनल वे में, मैं फिर से आपके लिए लेकर के आया हूं. देखिए कितनी बड़ी कैपिलरी और इतना बड़ा पोडोसाइट. ये देखो, ये है वो कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स जिसमें आप ये छेद देख पा रहे हैं, ये गोल गोल यहां पे व्हाइट कलर के दिख रहे हैं बेटा जी. ये है इन सेल्स के फिनेस्ट्रे. सो आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर वन, इधर मार्क भी है. देखिए, फिनेस्ट्रेशन पोर्स ऑफ द ग्लोमेरुलर एंडोथेलियल सेल्स, दीज प्रिवेंट फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड सेल्स. जैसा कि आपने बोला, इन पोर्स के थ्रू ब्लड सेल्स नहीं निकल पाते हैं, बट अलाउ ऑल कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा टू पास थ्रू. राइट, देन बेसल लेमिना ऑफ द ग्लोमेरुलस प्रिवेंट्स फिल्ट्रेशन ऑफ द लार्ज प्रोटीन्स. और उसके बाद ये देखिए, एक सिंगल पोडोसाइट सेल, ये रहा पोडोसाइट, इतना बड़ा जो आपको ऑक्टोपस जैसा ये सेल दिख रहा है ना ऐसे, दैट इज वन पोडोसाइट. और ये उस पोडोसाइट की न्यूक्लियस है. इज इट क्लियर? और पोडोसाइट की ये अपनी प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस को पेडिसल्स कहते हैं, और दो पेडिसल के बीच बीच में फिल्ट्रेशन स्लिट है. अब आप खुद ही देखिए, इस छेद से चीज बाहर निकलेगी और उसके बाद ये फिल्ट्रेशन स्लिट से बाहर निकलेगी और फाइनली बोमेंस कैप्स्यूल की कैविटी में आएगी. वहां पे उधर बोमेंस कैप्स्यूल और उसके अंदर ग्लोमेरुलस भी दिखाया गया है. इज इट क्लियर जी? आयुष जी आप कह रहे हैं कि डायग्राम से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, थैंक यू सो मच. हुमा खान कह रही है मिराक्युलस डायग्राम, थैंक यू सो मच. शहबाज अख्तर जी ने मिर्ची भेजी है, थैंक यू हुमा. अनुराग, श्रेया, राजेश, सचिन जॉन, सही कहा ना मैंने, ऑक्टोपस जैसा लग रहा है ये. प्रियल, आदित्य सिंह जी, आदित्य आप और भी इंटरेक्शन कीजिए ना, कोई बातचीत और भी करिए, आप सिर्फ ये मत कहिए कि मेरा नाम लीजिए. आपके नाम में खासियत होनी चाहिए तो दुनिया अपने आप आपका नाम लेगी जी. ओके जी, ग्रेट. सचिन कह रहे हैं यस, बढ़िया. हुमा ने कहा ग्रेट. कृष्ण पांडे, आकांक्षा, दीपा, पुनीता, गिरेश, शिवम, डायग्राम इज वेरी गुड, थैंक यू सो मच जी, वंडरफुल. एक ही मैसेज को कॉपी पेस्ट करके दोबारा मत भेजिए प्लीज, मैं उसे इग्नोर करूंगा, मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा उस चीज को. रेलिवेंट बात लिखिए, एक ही बार लिख रही है, आई रेस्पेक्ट यू, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट.
अमेजिंग डायग्राम, थैंक यू सो मच जी. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो यहां पे आपको फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन अच्छे से समझ आ गया कि कैसे इन पोर्स को चीरती हुई चीजें फिर इंसुलेट पोर्स के थ्रू बाहर निकलेंगी, राइट. चलिए, सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट प्रेशर्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. मैंने कहा था ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है. इसमें तीन प्रेशर्स इन्वॉल्व्ड हैं, दैट इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, देयर इज ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. तीनों प्रेशर्स और इनकी वैल्यूज आपको याद रखनी होंगी. फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सेकेंड इज ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड इज कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. फुल फॉर्म्स भी याद रखेंगे, जीएचपी, बीसीओपी, सीएचपी. ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किस कारण से है? जो अफरेंट आर्टेरियल ब्लड लेके आ रहा है उसका डायमीटर ज्यादा है, इफरेंट का कम है. सो जीएचपी, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इट इज ड्यू टू नैरो इफरेंट आर्टेरियल. सपोज दिस इज बोमेन्स कैप्स्यूल लाइक दिस. से दिस इज अफरेंट आर्टेरियल एंड दिस इज इफरेंट आर्टेरियल. तो अब आप डायग्राम के हिसाब से समझ जाइए, अफरेंट आर्टेरियल जो ब्लड लेके आ रहा है और इफरेंट जो ब्लड ले जा रहा है, इनके डायमीटर में डिफरेंस है, जिसके कारण से इन कैपिलरीज में एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, राइट. सो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह है, इट इज ड्यू टू नैरो इफरेंट आर्टेरियल. दिस स्ट्रक्चर इज इफरेंट आर्टेरियल, ये ब्लड लेके जा रहा है और यहां से ब्लड आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसी कारण से यहां पे चीजें फिल्टर हो जाएंगी. सो ये मैंने डायरेक्शन दिखा दिया, कैपिलरी में से निकल के चीजें बोमेन्स कैप्स्यूल की कैविटी में आ जाएंगी, ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट यहां पे बन जाएगा. तो ये जो कुछ भी फिल्टर हुआ है प्लाज्मा में से, प्रोटीन्स एंड फैट्स नहीं आ पाए नीचे, सो इस चीज को हमने कहा नेफ्रिक फिल्ट्रेट और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और अल्ट्रा फिल्ट्रेट. इट इज आइसोटोनिक टू प्लाज्मा. ठीक है जी, पहला प्रेशर समझ आया, दैट इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इट इज ड्यू टू नैरो इफरेंट आर्टेरियल. क्लियर है मेरे राजा बेटा? चलिए जल्दी से लाइक्स 500 तक पहुंचाइए. अभी आपने कितने लाइक्स करे हैं? 500 नहीं हुए हैं, आगे बढ़ाइए इसे. सेकेंड इज ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन्स. प्लाज्मा में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन है? सीरम एल्ब्यूमिन. सो जो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है, दैट इज ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, मेनली सीरम एल्ब्यूमिन, एंड इट अपोजेस फिल्ट्रेशन. ये फिल्ट्रेशन को अपोज करता है. और जो पहला वाला प्रेशर हमने यहां पे देखा था, ये देखिए, इट फेवर्स फिल्ट्रेशन, बिकॉज इस पूरी प्रक्रिया में कुछ प्रेशर्स ऐसे हैं जो फेवर करेंगे फिल्ट्रेशन को और कुछ प्रेशर्स ऐसे हैं जो अपोज करेंगे. तो ये सबसे पहला वाला जो है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इट फेवर्स फिल्ट्रेशन, और जो दूसरा वाला है दैट इज ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, वो अपोज करता है फिल्ट्रेशन को. ठीक है जी. नाउ अब तीसरा प्रेशर देखते हैं, दैट इज कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ये किस कारण से है? इट इज ड्यू टू फ्लूइड ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कैविटी ऑफ बोमेन्स कैप्स्यूल. ये भी इस प्रक्रिया को अपोज करता है. देखिए, बोमेन्स कैप्स्यूल में चीजें फिल्टर होती जा रही हैं, वहां भी फ्लूइड इकट्ठा हो गया और ऊपर से फिर लगातार फ्लूइड आना चाह रहा है, तो जो फ्लूइड ऑलरेडी प्रेजेंट है वो इस प्रक्रिया को अपोज कर रहा होगा. ऑब्वियसली वो एक अपोजिंग फोर्स लगा रहा होगा, दैट इज कॉल्ड कैप्स्यूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. दैट इज द फ्लूइड विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कैविटी ऑफ द बोमेन्स कैप्स्यूल. क्लियर है जी? राइट. जया, सोनाली, राजेश, अनुराग, अपोज क्यों करता है बेटा? ऑब्वियसली बात है, दोनों तरफ फ्लूइड्स प्रेजेंट हैं, बीच में एक मेम्ब्रेन है, हर फ्लूइड अपना एक प्रेशर तो लगा ही रहा है ना, इसलिए वो उसे अपोज कर रहा है. क्लियर है? लेसिस सेल्स के बारे में दिलीप, डेफिनेटली इन द फोर्थ कमिंग क्लासेस वी विल डिस्कस जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस. इन जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस आई विल टेल यू अबाउट जेजी सेल्स, लेसिस सेल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड द पॉल्किसन सेल्स, मिजेंगियल सेल्स, पोलर कुशन सेल्स, गुरमेगटाई सेल्स. लेसिस सेल्स के बारे में भरपूर जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन सबर बनाए रखना होगा, आने वाली क्लासेस में वो पढ़ाया जाएगा. अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं आप प्लीज उस पर कंसेंट्रेट कीजिए,
आगे के क्वेश्चंस बीच में बाउंस मत कीजिए, उससे आप मेरा ज्ञान नहीं चेक कर पाएंगे, राइट जी? ग्रेट। अब बीच में लोग पूछ रहे हैं डिट्रूसर मसल बता दीजिए, मतलब ये कंसेप्ट जो पढ़ा रहे हैं वो छोड़ दीजिए, अब हमें अब यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बताना शुरू कर दीजिए। दिस इज नॉट द राइट वे टू आस्क अ क्वेश्चन। प्लीज आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, सारे लेक्चर्स आप ध्यान से सुनिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभिषेक जी, आप बार बार कॉपी पेस्ट करेंगे डिट्रूसर मसल, दैट डजंट मीन कि मैं आपको वही पढ़ाना शुरू कर दूं कि ब्लैडर की वॉल में इस मसल का अरेंजमेंट किस तरह से है। प्लीज आप डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, आगे बढ़ते हैं। Now, we have to find out net filtration pressure or the effective filtration pressure. देखते हैं जी, net filtration pressure हम कैसे निकालते हैं? Because हमने देखे कि तीन pressures involved थे। दो pressure ऐसे हैं जो oppose कर रहे थे, एक pressure ऐसा है जो favor कर रहा है। तो simple सी बात है, जो favor कर रहा है उसमें से वो दोनों minus कर दीजिए जो oppose कर रहे थे। So, हम देखते हैं कि net filtration pressure NFP, which is also called EFP, यानी effective filtration pressure, simply क्या करना है? आपको GHP, glomerular hydrostatic pressure में से minus कर देने हैं वो दोनों pressures जो oppose कर रहे थे, यानी BCOP and CHP, इनकी values हम डालते हैं, this is 60 minus 32 plus 18, ये correspondingly इनकी values है mm mercury में, so हमारे पास net filtration pressure आ जाता है 10 mm mercury. क्लियर हुआ जी इतना? सो 10 mm mercury जो है, that is the effective filtration pressure. क्लियर है? अनीता, सलमान, तनु, बुशरा, शाबाज, कनीज, ठीक है जी? प्रियल, बताइए, is it clear? आपको रत्ना वर्मा, तनु, वैशाली, आयुष, राइट, आयुष आपने ठीक लिखा है, दैट सीएचपी एंड बीसीओपी अपोजेस फिल्ट्रेशन। बुशा ने सही जवाब दिया, रूपाली आल्सो, निलेश, दैट 10 एमएम मर्करी इज द इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। ऋषभ ने कहा क्या ये प्रेशर्स कांस्टेंट है? वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। नहीं, ये प्रेशर्स कांस्टेंट है ये जरूरी नहीं है। द रीजन इज बेटा जी, आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर भी तो चेंज होगा, तो ब्लड प्रेशर चेंज होने के अनुसार ये प्रेशर्स भी बदलेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन लेवल वेरी कर सकता है, उसके अनुसार प्रेशर बदलेंगे। सो हम वो सारी चीजें भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से शरीर अपना इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो मेंटेन करके रखता है। राजेश जी आपने ये कहा, ओके अभिषेक जी इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता है, आपने प्यार से अपनी गलती समझ ली, दैट्स वेरी गुड। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंसान अपनी मिस्टेक रियलाइज कर लेता है वो बहुत बड़ी बात होती है। आपने ओपन प्लेटफॉर्म के रियलाइज करी, दैट्स रियली गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल देखिए जी, सो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर राजा बेटा 10 mm मर्करी, ये वैल्यू आप याद रखेंगे। इधर से आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, व्हाट आर द डिफरेंट प्रेशर्स इन्वॉल्वड इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो हमने इस चीज को आपके लिए डायग्राम के साथ दिखा दिया है। इसमें यहां पे ये वैल्यूज जो हमने ली है, दैट इज 60 mm मर्करी, ये मैं करेक्ट कर देता हूं, 60 और ये हमने 32 लिया था एंड दैट वॉज 18, थोड़ा माइनर वेरिएशन है। आप अलग अलग मेडिकल बुक्स में भी देखेंगे ना, आपको हल्का वेरिएशन इन वैल्यूज में जरूर मिलेगा, इतना एक्यूरेटली ह्यूमन में करवाना पॉसिबल नहीं है। दिस इज अफरेंट आर्टेरियोल, दिस इज एफरेंट आर्टेरियोल, यहां से ब्लड आ रहा है, यहां से ब्लड जा रहा है, ये कैपिलरीज का गुच्छा बना है अंदर, यहां पोडोसाइट्स भी देख पा रहे हैं, ठीक है जी। सो अल्टीमेटली जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो यहां पे वैल्यू आप देख लीजिए, दैट इज 10 mm मर्करी। हमने 60, 32 एंड 18 ली है वैल्यूज, जो मैंने बताई है आप वही लेकर के चलिएगा वैल्यूज। दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, बिकॉज यहां पे जो फिल्ट्रेट बना है अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू पास थ्रू द पीसीटी। पीसीटी में किस प्रकार के सेल्स है? दे आर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, जिनको कि ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम भी कहते हैं, बिकॉज अब पीसीटी में मैक्सिमम चीजें रीअब्सॉर्ब होनी है, मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन अकर्स इन पीसीटी। लेट्स सी व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इट इज द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इस प्रक्रिया को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और नेफ्रिक फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसकी कॉम्पोजिशन, द कॉम्पोजिशन इज प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स एंड फैट्स,
एंड इट इज आइसोटोनिक टू प्लाज्मा. ब्लड सेल्स नहीं है, प्रोटीन्स नहीं है, फैट्स नहीं होते इसमें, बाकी सारी चीजें वही हैं प्लाज्मा जैसी. लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा इसमें से ज्यादातर चीजें रीअब्सॉर्ब कर ली जाएंगी और बहुत कम चीजें आगे बाहर आ पाएंगी. यश कह रहे हैं साउंड प्रॉब्लम हो रही है, क्या सब लोगों को हो रहा है? प्लीज आप अपने लेवल पे चेक करके देखिए, हो सकता है आपके लोकल लेवल पे कोई समस्या हो. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट है. GFR होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट विच इज फॉर्म्ड बाय ऑल नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ किडनीज इन वन मिनट. दोनों किडनीज के मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं. सो एक मिनट में दोनों किडनीज के नेफ्रॉन्स मिल करके कितना नेफ्रिक फिल्ट्रेट बना देते हैं वही कहलाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. और ये लगभग 125 ml है मेल्स में, 105 ml है फीमेल्स में. लेकिन ये सारे का सारा यूरिन बन के बाहर नहीं निकल सकता बॉडी में से. जैसे जैसे नेफ्रॉन की सेगमेंट्स में ये आगे बढ़ेगा इसमें से मेजॉरिटी चीजें रीअब्सॉर्ब कर ली जाएंगी एंड ओनली 0.8% इज पास्ड आउट एज यूरिन. तो इस 125 ml का लगभग 1 ml ही यूरिन की फॉर्म में बाहर निकलता है. ये 125 ml पर मिनट के हिसाब से बताया है. आप इसमें 24 घंटे का निकाल सकते हैं कि कितने लीटर फिल्ट्रेट 24 घंटे में बन जाता है और फिर 24 घंटे में यूरिन कितना बनता है, 1 से 1.5 लीटर. यानी जितना फ्लूइड फिल्टर आउट हुआ है शरीर से दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेगा बिकॉज उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस अभी मौजूद हैं. ठीक है हुमा. नाउ रीनल प्लाज्मा फ्लो भी समझ लीजिए. रीनल प्लाज्मा फ्लो से मतलब है द अमाउंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा विच इज फ्लोइंग थ्रू बोथ किडनीज इन वन मिनट. एक मिनट में दोनों किडनीज की तरफ 700 ml प्लाज्मा जाता है. अगर ब्लड की बात करें 1200 ml है, प्लाज्मा कितना 700 ml. तो अगर हमने फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन निकालना हो, हाउ डू वी डू इट? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को RPF से डिवाइड करते हैं, यानी 125 डिवाइडेड बाय 700, दैट गिव्स यू फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन. फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन आपको उस फिल्ट्रेशन बेड की एफिशिएंसी बताता है. फैजान आपने 180 लीटर बिल्कुल सही लिखा है. थोड़ा सा डिफरेंस रहता है हिरल मेल एंड फीमेल में इस चीज में, राइट जी. चलिए हम बिल्कुल आज का लेक्चर में जितनी चीजें हमने कवर करनी थी वो कर चुके हैं. एंड में बताना चाहूंगा जब आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले हमारे साथ जुड़े नीट लाइव कोड यूज करना मत भूलिएगा बिकॉज नीट लाइव कोड यूज करने पे आप लोगों को स्पेशल डिस्काउंट मिलता है हमारी टीम की तरफ से. जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा. इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहने चाहिए. लेक्चर अपलोड होते ही नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा जिसमें एक लिंक मिलेगा आपको जहां पे PDF फॉर्म में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे. सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू एंजॉयड द लेक्चर. विद्या बांटने से बढ़ती है. लेक्चर जैसे ही अपलोड हो जाए इसका लिंक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और लोगों के साथ ताकि वो भी इससे बेनिफिट हो पाए. वीडियो पे अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट. कहीं जाइएगा नहीं, आपका फिजिक्स के लेक्चर की शुरुआत हो चुकी है, सर आ चुके हैं क्लास में. चलिए जी, सी यू ऑल, बाय बाय, नमस्कार, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट फ्यूचर.